हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डे टू ऑफ न्यूयॉर्क सिटीज। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, ओ सॉरी, आई बोर्ड फॉर सम टाइम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू गाइस। इट्स आवर चैनल। यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो, वेलकम बैक। आज है डे टू, येट अनदर एपिसोड ऑफ न्यूयॉर्क सिटीज। यस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ग्रीन लेडी, माता माता माता। वाह। तो चलो हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। सॉरी, हम लोग फिर आज, मतलब प्लान क्या है हमारा आज का प्लान? हम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जा रहे हैं। पहले तो आज का प्लान में थोड़ी सी अड़चन है हमारी, मौसम। हाँ, ये मौसम वैसे आज थोड़ा ऐसा ही हो गया है। हाँ, बारिश। एक्सपेक्टेशन ये है कि बारिश रुक जाए, मौसम ऐसा ही रहे बट बारिश ना हो, तो देन वी विल बी एबल टू एंजॉय मोर। उसके लिए हमें पहले लिबर्टी पार्क जाएंगे, हम वहाँ हम गाड़ी खड़ी करके फेरी लेंगे। फेरी से हम जाएंगे एलिस आइलैंड। इट इज अप टू अस इफ यू वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट एलिस आइलैंड इज और नॉट। आफ्टर दैट देयर इज द अदर फेरी दैट विल टेक अस टू एक्चुअल डेस्टिनेशन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। ये कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आइलैंड? नो, ये लिबर्टी स्टेट पार्क। दिस इज लिबर्टी स्टेट पार्क। यहाँ से हम लोग लेंगे फेरी। अभी हम इमिग्रेशन करेंगे। क्यों? फेरी के लिए। फेरी के लिए भी इमिग्रेशन करना होता है? फिर से बताना जरा, सुनिए एक बार, कैमरा देख कर बताओ जरा। तो हम फेरी लेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए, हम इमिग्रेशन करते हैं। मतलब तुम पासपोर्ट लाए अपना? नहीं, हमारा पासपोर्ट नहीं है। तो इमिग्रेशन कैसे करोगे? काइंड ऑफ इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। अगर तुम बोलते हो तो अलग चीज है, ये तो बात थोड़ी होती है, कुछ भी बोल रहे हैं। सिक्योरिटी चेक करेंगे। देखिए भाई साहब, कल जहां हम गए थे, अभी हम लोग हैं वैसे न्यू जर्सी में। हाँ। और सामने हमारे है न्यूयॉर्क स्काईलाइन। कल हम वहां थे और आज हम यहाँ हैं। तो सही बता रहे थे आप कुछ इसके बारे में। सो अभी हमें इमिग्रेशन करना है। ये जो अभी हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए हमें इमिग्रेशन करना है, विच इज काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी चेक। एंड the reason why it is called immigration check, because if you see at the back is the railway station. In the old centuries when immigrants used to come to US, it was the place where immigration was done. Okay, so this is the entry to USA. USA, yes. Aur ye jo hai ye wala jo skyline hai choti si, ye New Jersey ki skyline hai? Ye New Jersey ki Jersey City hai। जर्सी सिटी है। ओके, और वो न्यूयॉर्क, वो देखो फ्रीडम टावर, सबसे लंबा टावर है यहाँ का। और वो रही है वहां पर माता, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो चलो चलते हैं। आज ठंड है काफी, तो सबकी जैकेट वैकेट निकल गई है, बारिश भी आने के चांसेस, तो हमने छाता रख लिया है। अपने राइट में अगर आप देखोगे, दैट्स एलिस आइलैंड फर्स्ट, एंड देन is Statue of Liberty far away. So first stop is Ellis Island. Okay. तो ये है जी, यहाँ से होता सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वहां पर एक फेरी खड़ी है। ओहो, यहाँ लिखा हुआ है एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी अहेड। See, I told you. तो ये समझ में आ गया सनी ने इसको इमिग्रेशन क्यों कह रहा था। मुझे समझ में आ गया सारी, तो इसको इमिग्रेशन क्यों कह रहा था। पहले उन्होंने लिखा था, अबे अच्छा हुआ कपड़े नहीं उतरवाए, बस बेल्ट तक उतरवा दी थी भाई, बेल्ट घड़ी वड़ी सब उतरवा दी उन्होंने। और मेरे को ठंड लग गई थी, मेरी जैकेट भी उतरवाई। दो मिनट तो मुझे ही समझ में नहीं आया, वो कह रहा है बंगल उतार, बंगल बंगल बंगल, बैंगल बैंगल। मैंने तो चेन पहनी हुई थी, मैंने वो भी नहीं पहनी सारी, बट ठीक है चलो, अभी हो गया है, पहुंच गए हैं। अब पकड़ेंगे यहाँ से फेरी एंड विल गो टू सी माता। देखिए व्यू तो बहुत सही आ रहा है, उधर से पूरी स्काईलाइन दिख रही है, ये है इधर, और हम लोग जा रहे हैं हॉर्नब्लोवर फ्रीडम। और ये रही हडसन रिवर।
ओके तो हम लोग अब निकल चुके हैं फेरी से, पीछे हमारे पूरा स्काईलाइन, न्यूयॉर्क स्काईलाइन ऑन द वे टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बारिश का मौसम, हवा बहुत तेज है। बारिश नहीं हो रही है बट बारिश रुक गई, हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। इन दोनों कैसे ठंड, इसको देखो रश्मि को देखो जरा कैसे ठंड के मारे बैठी हुई है। अमेजिंग व्यू जो क्लाउड का ऊपर बढ़िया बना हुआ है, इससे बहुत सही लग रहा है। ये नहीं पूरी पूरी स्काईलाइन, मजा आ गया। सही काम हो चुके जी हमने यहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया, हम नहीं जा रहे अंदर, मतलब अंदर मतलब यहाँ नीचे नहीं जा रहे हम लोग। ये सिर्फ एक म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन। अब हम इमिग्रेंट्स तो है नहीं तो हम क्यों जाए, हम वो दुख दर्द देखना नहीं चाहते इमिग्रेंट्स का। हार्ट वार्मिंग होगा थोड़ा सा ना वो, मैंने टंकी देखी है वैसे भी मुझे। हाँ तो वो नहीं देखना, वो तो वैसी बेचारी बहुत मार्मिक है इस मामले में, हृदय मार्मिक है उसका बहुत। तो हम लोग यहाँ से जी देखिए ऐसे जाएंगे, अब नेक्स्ट स्टॉप इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देखो ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए, लास्ट से धूप आ गई है, दो मस्ताने चले जिंदगी बिताने। और देखिए वो रही हरी माता, बस वहीं पहुंचने वाला है, मशाल वाली यार। मतलब जो भी बोलो फ्रेंच और मतलब जो भी यूरोपियन है ना भाई साहब, इनका आर्किटेक्चर बहुत गजब का है। बिल्कुल है, नहीं मैं हूँ, ये जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। ये लोग इसमें आ गए कि इंडिया का अच्छा है कि ये कनाडा का अच्छा है, एब्सोल्युटली। तो जी भीड़ भी बढ़ गई है, मौसम हो गया और बस पहुँचने वाला है 5 मिनट में। और ये देखिए इसका फ्रंट व्यू, बहुत जबरदस्त। हाँ भाई तो फिर पहुंच ही गया फाइनली है, फाइनली हम यूनिवर्सिटी पे आ गए हैं। भैया अभी भी देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है, हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मशाल की जगह। थोड़ा दुख मौसम थोड़ा। तो ये लोग जो है, ये लोग आ रहे हैं न्यूयॉर्क से और ये न्यूयॉर्क वापस जा रहे हैं, ये लोग उधर वाले जा रहे हैं न्यूजर्सी से आए हैं। और ये देखो पीछे से क्लीनिंग करवाओ भाई इसकी जरा। ऑलराइट तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मॉन्यूमेंट के पास, जिला स्टैच्यू लिबर्टी म्यूजियम, जहाँ हम जा सकते हैं। अंदर एक मशाल रखी हुई है यहाँ पर रेप्लिका उसकी, और ये सामने पूरा का पूरा स्काईलाइन ऑफ न्यूयॉर्क। इतनी बड़ी स्टैच्यू है, इट्स ब्यूटीफुल, बैक ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये अपनी छोटी स्टैच्यू लिबर्टी। तो हम लोग पहले जा रहे हैं म्यूजियम, उसके बाद फिर थोड़ी अतरंगी फोटो शूट करेंगे और फिर जाएंगे उधर। तो हम लोग हैं म्यूजियम के अंदर, जहाँ पर कि पूरा का पूरा दिखाया हुआ है। सनी कुछ तो पढ़ रहा है। तो जी यहाँ पर कोई तो मूवी दिखाई जा रही है। Edouard de Laveler, the professor of constitutional law and history and a great admirer of American liberty, is inspired by news that slavery in the United States has been abolished. The Civil War is over. Working from Bertholding's final model of the statue, just 4 feet tall, the sculptor and his team of skilled artisans begin to create a statue that will be 151 feet tall. Like liberty itself, the statue began as the impulse of a human heart. The
The Statue of Liberty is at once an emblem of America's highest ideals and the deep ironies of our history. ये रहा, ऐसे डिजाइन किया गया था लिबर्टी को. कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं उन्होंने. हाँ, तो ऐसे ही बनाए भी तो है ना, देखा कैसे बनाया है. कास्टिंग द क्वार्टर साइज, कैसे उसको कास्ट वो किया है. बहुत सारे, जितने सारे कास्ट वास्ट होंगे हो सकता है कास्ट के सारे. ब्यूटीफुल. प्लीज फील फ्री टू टच द फुट. कॉपर ही तो है, कॉपर है ना. और ये इन्होंने बनाया था यहाँ का जो नीचे का फाउंडेशन है. 1882, 1883, they keep on changing it. भाई कितनी मेहनत लगी होगी इनको ऐसे उठा उठा के उसको और को करने में, और लास्ट में फाइनल वो है. ये रहा देखो, अमेरिकन कमिटी, मस्त. और ऐसा है उसके अंदर, इस तरह से ऊपर जाता है यहाँ से, फिर अंदर 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 ऊपर ऊपर ऊपर. तो जी ये है यहाँ पर की फ्लेम, मशाल, मेरा चेहरा, अंतरंगी फोटोज खींच रहे हैं फिर से मशाल के साथ. फील फ्री टू टच द फेस. हाँ अभी तो फिर चले आ गए. हाँ तो अब हम जा रहे हैं स्टैचू की तरफ, और जिस एरिया में, जो जिस आइलैंड पे अभी हम हैं उसको बोलते हैं बेडलोज आइलैंड. क्यों बोलते हैं उसको बेडलोज आइलैंड, उसका नाम है. तो फिर से हमने थोड़ी अतरंगी फोटोज खींच ली हैं, और अतरंगी yes. फोटोज के बाद हम लोग अब चले हैं लेडी से मिलने. ब्यूटीफुल है यार, शी इज वेरी गुड. हाँ भाई मेहनत तो बहुत लगाई भाई उसने, जिसने बनाया भाई बहुत काम किया उसने, और बहुत सुंदर बनाया. जी हमारा वीडियो, हमारा जो है वो है पेडिस्टल टिकट होल्डर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बना है. तो लॉकर्स दिए हैं बगल में, आप यहाँ रख सकते हैं. अब चलते हैं ऊपर. ओके तो फिर से हमने वही एयरपोर्ट वाला सिक्योरिटी चेक कर लिया हमने. सर तुम्हारे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक बहुत होता भाई, कपड़े उतरवाए थे पूरे. खैर अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पेडिस्टल वॉक. कहाँ है वो, है ऊपर, ये देखो है तो बहुत ऊपर. क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टू पेडिस्टल एंड क्राउन. अपस्टेयर्स के एलिवेटर्स, स्टेप टू पेडिस्टल एंड क्राउन एलिवेटर, बस 195 स्टेप्स है, अगर किसी का मन हो जा सकता है. इन लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं जा रहा है. तो हम लोग लेवल 5P 26 सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आ रहे हैं. और हम लोग पहुंच चुके हैं. तो यहाँ से दिख रहा है अंदर ग्लास से स्टैचू के अंदर. तो इट्स द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ. देखो बाहर, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया. देखो सारी अतरंग की फोटो खींचता हुआ, ये बढ़िया फोटोग्राफी कर रहा है. ये देखो देखो मेघा भी कुछ सनी के अतरंगी फोटो खींचने की कोशिश कर रही है. मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आया. अच्छी फोटो खींचना मेरी, ठीक है. हेयर स्टाइल ठीक है ना मेरा. तो देखिए व्यू बहुत ही जबरदस्त है. व्यूज तो सेम ही है, देखो स्काई लाइन.
बस ये भी यहाँ से जो है भाई ऊपर आना तो इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्यों तो नहीं ऊपर आना इज नॉट अ गुड ऑप्शन. हाँ नहीं ना 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 ऊपर आई वुड रिकमेंड लाइक ऊपर से बाहर का व्यू अच्छा है बट इसका व्यू तो नीचे से ही है यहाँ से. No, but again, it's the same price, so we got it in the same price. So, अगर व्यू चाहिए तो ऊपर ऊपर आने का इस साइड हाँ तो इस साइड उस साइड उसका व्यू चाहिए तो नीचे से देखने का यहाँ से गंदी बात नहीं. ये व्यू भी बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया व्यू है. इधर से अगेन न्यूयॉर्क स्काईलाइन. ऑलराइट, तो हम लोग भाई ऊपर से आ चुके हैं पेडेस्टल डेक से और अब हम लोग हैं जहाँ पर वहां से बढ़िया व्यू दिख. मुझे ऑनेस्टली बोलो ऊपर जाके मुझे समझ ही नहीं आया कुछ. देखो फिर से अतरंगी फोटोज हरी माता के साथ. भाई मेरी फोटो अच्छी खींचना. तो जी ये रहा पूरा का पूरा व्यू सामने से. बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर. चलते हैं यहाँ से. कल जब हम ब्रुकलिन पे थे तो हमें लिबर्टी दिखी थी, आज हम लिबर्टी से ब्रुकलिन में दिए ब्रुकलिन ब्रिज देखेंगे. तो वो रहा ये लिबर्टी और वो सामने रहा ब्रुकलिन ब्रिज. ये रहा ब्रुकलिन ब्रिज. बहुत बढ़िया सरी, थैंक यू सो मच. यू वेलकम फॉर दिस इंफॉर्मेशन. अभी हम आए गिफ्ट शॉप पे. मेडिलियंस कलेक्टिबल. थोड़ी सी पेट पूजा करते हुए यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं भाई. यहाँ पर टॉर्च बर्गर, वेज बर्गर, चिकन बर्गर्स एंड अनियन रिंग्स. फ्राइज एंड तुमने खाई? यू ईट? तो हम लोग अपनी शिप में वापस जा रहे हैं फेरी और टाइम हो चुका है 3:22. ओके, तो सामने फेरी से हम लोग वापस आ चुके हैं और ये अगर आपको टूर लेना है तो ये हेलीकॉप्टर राइड्स देते हैं. सरी कितने में? $175-$250 पूरे न्यूयॉर्क घुमा देते हैं. हाँ ऊपर ऊपर से. और देखो मौसम ने क्या करवट बदली, सबको सब आगे छाता है. यहाँ से आप सामने न्यूयॉर्क की असली स्काईलाइन देख सकते हो. असली स्काईलाइन बोले तो स्काईलाइन न्यूयॉर्क स्काईलाइन असली स्काईलाइन या क्योंकि यहाँ सामने भी फर्जी स्काईलाइन है जर्सी की. सो नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आइलैंड पार्क. सो आप ये वॉल्स देख रहे हो, दीज आर ऑल द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन 9/11. यू विल सी ऑल द नेम्स एंड दिस इज अ ट्रिब्यूट to people who were in 9/11 from New Jersey. From New Jersey? Yes. Okay. So this is a wall which represents everything. And you'll see names of people who were there in World Trade Center at that point. Yeah. Or in the flight. ये देखिए यहाँ से skyline दिख रही है. Front से लेके पूरा. ये नाम लिखे हुए हैं. It was tragic. But चलो सनी आगे भी कुछ दिखाने वाला है शायद. So was the names, and this is the actual beam that was for World Trade Center when it was for 9/11. These two. These are the parts of 9/11. ये बची हुई बस उसमें से. हाँ इन्होंने हर जगह लगाई है parts on New York में पूरे USA में parts जितना बचा था वो as a remembrance लगाया है हर जगह. हर जगह रखा गया है. इट इज इट हैज द सेम एवरीथिंग इज एज इट इज इंटैक्ट. तो जी ये वाला तो नहीं पोर्शन कवर हो चुका है, बाल सारे उड़ गए. हाँ भाई क्या बचा है अब? जो हाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था दैट वाज द इमिग्रेशन चेक पॉइंट और द ट्रेन स्टेशन. सो आप सामने देखो ये आपका ट्रेन्स है that were used at that point in the beginning. immigrants aate the bhar bhar ke. ha ye wo trains hai piche aap dekh rahe ho pura wooden jo hai wo station train station hai yahan ka. ha
और यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते थे इस ऐसी ट्रेन में। मेरा कुछ कहना चाहेंगे आप? डू यू वॉन्ट टू एड समथिंग? ये भी इसी ट्रेन में आई थी, ये भी इसी ट्रेन। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को, और उससे पहले एक छोटा सा डिटूर लिया था, इसको एक सनी ने एक स्टोर बता दिया था जहाँ बहुत सस्ता डेकोर का सामान मिलता है। क्या नाम था उसका? हॉबी लॉबी। हॉबी लॉबी, तो वहाँ गए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत बेसिकली होम सेंस था, होम सेंस का सस्ता वर्जन थोड़ा। हाँ, तो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करी और अब जा रहे हैं घर की तरफ को, बहुत थक गए। तो अभी 21 माइल ट्रैवल करना है। तो जी, बहुत लेट हो गया है और हम लोग घर आ गए थे। हमने खाना पैक करवाया, चिकन बिरयानी, कुछ कुछ स्टार्टर्स और रेड्स के लिए वेज भिंडी एंड दाल। तो हम लोग ये खाना खा के एंजॉय करते हैं। क्यों रेड्स? एंड लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। Sure. Let's speak tomorrow. We'll meet in the next video. तो चलो ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, बाय बाय।